आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज स्पेशल फोर जो करंट अफेयर्स है, आज को पता है कि आज स्पेशल हमने जो करंट अफेयर्स लिए वो स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स है डियर स्टूडेंट। ठीक है, किस चीज के करंट अफेयर्स है? स्पोर्ट्स के हमने करंट अफेयर्स लिए हैं। ठीक है, तो आज कई शहरों में लॉकडाउन है। ठीक है, आप घर पे बैठे हुए आराम से एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, इसलिए हम जो लगातार कंटिन्यू सारी सीरीज चल रही है, इस पूरी सीरीज में हम आपके साथ बने रहेंगे। ठीक है, तो चलो डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है, देखो डियर स्टूडेंट्स, जो है इंपॉर्टेंट चीज जो है, आप जानते हैं कि ये स्पोर्ट्स सेशन जो है जिसकी इंपॉर्टेंस हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना, और हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, इसलिए आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, चलो बहुत जल्दी जल्दी आ जाइए, जितने बच्चे हैं सभी जय हिंद सभी को। ठीक है, और जल्दी जल्दी अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दो बच्चों। देखो इतना काम तुम कर ही सकते हो यार। ठीक है, तो जल्दी जल्दी शेयर करो और क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो आप सभी बच्चे जुड़ गए हम सब लोगों से। ठीक है, आप सभी को जय हिंद। तो दे दीजिए आंसर, इसका आंसर क्या रहेगा? देखो क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द गोल्ड मेडल एट द साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप। देखो वुशु चैंपियनशिप, अगर आप में इस खेल के बारे में अगर जैसे कोई बच्चे नहीं जानते हो, अगर वुशु एक तरह से मार्शल आर्ट का एक फॉर्म है, वुशु जिसको कहते हैं, ये चाइनीज नेम है वुशु। ठीक है, तो मार्शल आर्ट का एक फॉर्म है, इसमें बहुत सारे मार्शल आर्ट के अलग अलग, जैसे कुंफू होते, कराटे होते, ताइक्वांडो होते हैं, ऐसे ये भी एक वुशु एक खेल होता है। ठीक है ना, स्पोर्ट्स। तो इसमें गोल्ड मेडल जो है किसने जीता भाई? जय हिंद भाई सुमित, ग्रुप्स वगैरह में फटाफट शेयर करो इनको। ठीक है, और सब बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ जाए। चलो बेटा, ठीक है, आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। देखो क्या है इसका आंसर। जय हिंद बेटा, जय हिंद सभी को, मोहित, नमन, समीर, आंचल, सभी को जय हिंद, सभी बच्चों को जय हिंद। तो बताइए सुशु में सबसे पहली चैंपियनशिप जो रही है, ठीक है ना, इसमें कौन जीता है? देखो ये चैंपियनशिप नेपाल में हुई थी। कहां हुई थी? नेपाल में चैंपियनशिप हुई थी। तो इसमें गोल्ड मेडल, साउथ एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल कौन लेकर आया? अनियान मिदुन, ये केरल से हैं और ये वुशु के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। ठीक है ना, तो याद रखना। ठीक है, क्या है? अनियान मिदुन। ठीक है ना, इसका सही आंसर क्या है? अनियान मिदुन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है डियर स्टूडेंट्स। और इस बिहार पर अगर आप देखें ये वुशु खेल में, तो ये टॉप पर रहे थे। ठीक है ना, चलो स्पोर्ट्स में आपको बोल रहा है, कॉपी पेन लेकर सामने बैठिए, वहां पर लिखते भी जाइए आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, विच नेशंस वुमन क्रिकेटर टीम हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर रजिस्टरिंग द मोस्ट कंसेक्टिव ओडीआई विंस। लगातार कौन सी टीम एक के बाद कई सारे मैच रजिस्टर जीतना स्टार्ट हुई थी, वुमेन क्रिकेट टीम की बात हो रही, जिसने एक रिकॉर्ड बनाया कि कई सारे वो जो मैच जीती है इसमें। आंसर क्या रहेगा आपका? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। योगेश का आंसर सी है, मोहित का आंसर डी है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में कंफ्यूजन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर, चल बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसका आंसर सी जो है सही है। इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड रजिस्टरिंग मोस्ट कंसेक्टिव में करीब 300 क्रिकेट वन ओडीआई जो है, ऐसे माने जाते हैं कि लगातार कई सारे क्रिकेट जो ओडीआई हुए हैं मैच, उनको कंटिन्यू जीता है। बिल्कुल सही आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट, अनियान मिदुन हैज वॉन गोल्ड फॉर इंडिया इन विच इवेंट्स। देखो अभी क्वेश्चन आया था, अब ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अनियान जो मिदुन है, उन्होंने गोल्ड मेडल इंडिया के लिए जीता था, लेकिन कौन से इवेंट में जीता है? अभी इसके पहले हमने क्वेश्चन किया है, वुशु है, फेंसिंग है, चेस या बॉक्सिंग है। दे दीजिए आंसर क्या है भाई बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए, क्या रहेगा इसका आंसर?
ठीक है, बिल्कुल सही नमन का आंसर ए, ठीक है ना, ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अभी हमने देखा वुशु, मैंने बताया था एक तरफ से क्या है वुशु, एक खेल जो मार्शल आर्ट का फॉर्म है, कुंफू कराटे सब मार्शल आर्ट से निकले हुए अलग अलग तरह से फॉर्म होते हैं जिनके अलग अलग नाम पड़ गए। ठीक है, तो जो है इसका आंसर क्या है, ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ऋषभ पंत हैज बीन अपॉइंटेड द कैप्टन ऑफ द विच आईपीएल टीम। देखो 2021 में अभी जो आईपीएल, कल इस आईपीएल मैच का शुभारंभ हुआ है, मुंबई इंडियंस को जो रॉयल चैलेंज बेंगलोर ने हरा दिया है कल के मैच में, आपने देखा भी होगा। तो ये जो ऋषभ पंत है आईपीएल टीम 2021 में किस टीम के कप्तान है भाई? बिल्कुल सही आंसर दोगे क्योंकि आप क्रिकेट बहुत अच्छे से देखते हैं, आपको पता है कौन खेलता है कौन नहीं खेलता है, कौन किसके क्रिकेट टीम का है, कौन अच्छा खिलाड़ी है। बिल्कुल सही आंसर है, दिल्ली कैपिटल जो है, ठीक है बिल्कुल सही आंसर, दिल्ली कैपिटल जो है उसके कप्तान ऋषभ पंत को बनाया गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, और आज शायद दिल्ली का और चेन्नई का ही मैच है जहां तक मुझे पता है, क्योंकि अब इतना क्रिकेट का ज्यादा मुझे भी शौक नहीं रहा है। ठीक है, तो आपको जहां तक जय हिंद, 4 सेकंड भी फिजिकल इंदौर आज वॉच कर रही है, चलो तो बहुत अच्छे, जय हिंद सर आपको भी। ठीक है, तो याद रखना आईपीएल से भी आपसे कई बार क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डियर स्टूडेंट हमारा है, विच टीम हैज वॉन द मैक्सिमम मेडल टॉप फिनिश एट द टॉप प्लेस द मेडल टेबल इन 2021 IISS वर्ल्ड कप न्यू दिल्ली। देखो ये इंटरनेशनल शूटिंग जो स्पोर्ट्स फेडरेशन होता है, जो ऑल इंडिया जो शूटिंग्स होती है उसका एक फेडरेशन है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इस फेडरेशन में ये वर्ल्ड कप हुआ था न्यू दिल्ली में, ठीक है, तो कौन सी टीम मैक्सिमम मेडल इसमें जीती है बताइए, यूएसए, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया बताइए। वनीश सिंह जैन, डियर स्टूडेंट्स वेलकम है आप सभी बच्चों का। चलो बताइए कौन सी टीम इसमें सबसे ज्यादा जो है मैच जीती है, इसमें बताइए सबसे ज्यादा मेडल जीती है कौन है। देखो आईएसए वर्ल्ड कप न्यू दिल्ली में हुआ, स्वाभाविक बात है कि हमारे लोग ज्यादा रहे होंगे, ठीक है ना, तो स्वाभाविक बात है कि सबसे ज्यादा मेडल भी कौन जीता, कौन सी कंट्री जीता, हिंदुस्तान जीता है, याद रखना कौन कंट्री, हिंदुस्तान, ठीक है ना। तो आपका जो आंसर है सी बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल आप बच्चों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच सिटी विल होस्ट द एएफसी वुमेन एशियन कप 2022। देखो कहां पर ये एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन जो होता है एएफसी जिसको कहते हैं, एशिया में जितनी भी टीम है वो इसमें पार्टिसिपेट करती है, ठीक है ना, वो इसमें क्या कर सकती है डियर स्टूडेंट, पार्टिसिपेट करती है। तो विमेन एशियन कप जो 2022 हो रहा है, ठीक है, तो वहां कहां होस्ट हो रहा है, अहमदाबाद, मुंबई, भुवनेश्वर या ऑल ऑफ अबव, सभी जगह हो रहा है या सिर्फ इन इन कुछ सिटियों में ये होस्ट हो रहा है, बताइए क्या आंसर है आपका, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। बी आंसर है बच्चों का, कहना है सर मुंबई में हो रहा है, बिल्कुल। और बच्चे क्या कहेंगे, बाकी बच्चे क्या कहेंगे, मुंबई, बी मुंबई। देखो बेटा ये जो है ना, देखो ये एशियन कप है फुटबॉल का, तो एक जगह तो हो नहीं सकता, तो तीन जगह हो रहा है, इसका आंसर डी है। क्या है डी इसका आंसर है, मैं बता देता हूं कहां का हो रहा है, डी वाई पाटिल स्टेडियम इन नवी मुंबई में हो रहा है, अहमदाबाद में तरन स्टेडियम में हो रहा है, और कलिंगा स्टेडियम इन भुवनेश्वर में हो रहा है, ठीक है ना, तो लगभग तीनों ही जगह हो रहा है, अहमदाबाद, मुंबई, भुवनेश्वर, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ये नहीं आपके तीनों ही जो आंसर सही है, इसलिए आपका आंसर डी रहेगा। क्लियर है बच्चों, चलो व्हाट इज द ऑफिशियल सॉन्ग ट्रैक फॉर द 2021 आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप, जो आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2022 में होगा, ठीक है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो आपको पता है उसका सॉन्ग ट्रैक जो है वो क्या है, लेडीज मिरेकल है, सिंग ऑफ वुमन है, गर्ल गैंग है, हिट स्टैंड है, न्यूजीलैंड के एक बहुत बड़े सिंगर ने इसको गाया है, तो उसका ट्रैक क्या है, जिसे आपने सुना होगा एक बार आया था फुटबॉल में, वाका वाका, है ना, तो ये सॉन्ग ट्रैक होता है,
ठीक है ना, किसकी शुरुआत कहां से हुई है। एक बार वो आया था आईपीएल वगैरह के इनके आते हैं, तो मोहित कुर्मी का आंसर जो है बिल्कुल सही है, उसने सही आंसर दिया है, इसका आंसर जो है बिल्कुल सही दिया है, गर्ल गैंग जो है इसका सॉन्ग जो है इसका ट्रैक है, मतलब ये बेसिक उसके ट्रैक है, जो 2000 ठीक है ना 22 आईसीसी वुमेन का जो वर्ल्ड कप रहेगा उसका सॉन्ग रहेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट, द स्पोर्ट मिनिस्टर किरण रिजिजू हैज इंक्लूडेड विच गेम इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स। देखो भारत में स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खेलो इंडिया गेम की शुरुआत की है, तो 2021 में डियर स्टूडेंट्स कौन से खेल को, कौन से स्पोर्ट्स को यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने शामिल किया है, उसको भी स्पोर्ट माना, योगासन, काइट फाइटिंग, गिल्ली डंडा, ये लैग क्रिकेट, बताइए कौन से उसको स्पोर्ट्स की कैटेगरी में रखा है, आप बताइए। योगासन, काइट फाइटिंग, पतंग उड़ाना, गिल्ली डंडा, लैग क्रिकेट, ये सब भारत के आम जो है खेल होते हैं, ठीक है। किसको अपनाया है, योगेश और आंचल का आंसर बिल्कुल सही, योगासन, योग आसन होता है उसको भी एक स्पोर्ट्स इवेंट माना है, ताकि योग के क्षेत्र में भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जा सके, ठीक है। तो इसको भी खेलो यूथ इंडिया गेम्स में शामिल किया गया, धीरे धीरे इसको वर्ल्ड लेवल पर ले जाया जाएगा, क्लियर है बच्चों। चलो बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइटल ऑफ ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ द आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप। देखो अभी फिर आ गया क्वेश्चन 2022, तो इसका भी अपन ने आंसर दिया था, क्या है, गर्ल गैंग, इसका क्या है, ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ द आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप का टाइटल है, याद रखना। हाउ मेनी मेडल्स हैव बीन वॉन बाय इंडिया इन द 2021 ऑल इन वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। देखो वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हुआ, इस स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में है ना कितने जो मेडल है इंडिया जीत कर लाया, ये अल अवी यूएई में हुआ था, अल ऐन एक जगह का नाम है जो यूएई में आता है, कहां आता है, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो भारत ने कितने मेडल जीते थे वहां पर, बताइए, 5, 7, 10, 11, आंचल का आंसर ए है, बाकी बच्चे बी 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 बी, अच्छा बी आंसर है, तो बी आंसर बिल्कुल सही है, 7 मेडल हिंदुस्तान ने जीते थे, कितने मेडल डियर स्टूडेंट, 7 मेडल जीते थे इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हु हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन 2021 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप एट एल अनीन इन यूएई। देखो अब जो गोल्ड मेडल जीता है इसमें अल अनीन इन द यूएई में, वो किसने जीता, बताइए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो गोल्ड मेडल 2021 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ था यूएई में, इसमें किसने जीता, राजेंद्र सिंह राहिलू ने, गिरीश नागराज गोड़ा ने, मरियप्पा थंगवेलोन या सिंहराज ने, बताइए। नमन ठाकुर का आंसर डी है, सिंहराज। बाकी बच्चों का आंसर क्या है भाई, देखो पैरा एथलेटिक जो शूटिंग होता है गोल्ड इसमें लेकर आए हैं कौन है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, एक बच्चे का आंसर अभी प्राप्त हुआ है हमें, बाकी बच्चे भी अपना आंसर दीजिए। आधे बच्चे तो बढ़िया लॉकडाउन का मुझे लग रहा बहुत अच्छे से पालन करते, सो के ही नहीं उठे होंगे अभी तो। चलो भाई अच्छा है, आंसर डी बिल्कुल सही है, सिंहराज इसका सही आंसर है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है डियर स्टूडेंट, सिंहराज। इंग्लिश कंट्री लिंकशायर हैज अनाउंस द ओवरसीज सिंगिंग ऑफ विच इंडियन बैट्समैन फॉर 2021 रॉयल लंदन कप। देखो आपको पता है कि जो इंग्लिश काउंटी क्रिकेट होता है, ठीक है ना, कहां पे होता है, लिंकशायर, ये एक इंग्लिश शहर लिंकशायर, अनाउंस किया कि ओवरसीज सिंगिंग, जो विदेशी, ओवरसीज का मतलब विदेशी, सिंगिंग ऑफ विच इंडियन बैट्समैन 2021 जो रॉयल लंदन कप है उसमें उनको इनवाइट किया गया, किसको, श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या,
आप क्रिकेट के बड़े अच्छे जानकार हैं, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि जो इंग्लिश काउंटी क्रिकेट है लैंकशायर में, इसने किस भारतीय खिलाड़ी को विदेशी सिंगिंग बैट्समैन 2021 रॉयल लंदन कप में इनवाइट किया है। भाई आंसर आपका डी ए, अलग अलग आंसर आपके हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो जिन बच्चों का आंसर ए है, श्रेयस अय्यर, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन ए जो है आपका, बिल्कुल बच्चों सही आंसर है। ठीक है, चलो बहुत शानदार। विच इंडियन वुमेन प्लेयर रैंक फर्स्ट इन द आईसीसी T20 रैंकिंग, बता कौन सी महिला क्रिकेट टीम में T20 जो रैंकिंग होता है उसमें टॉप पर आती है, बताइए टॉप पर है कौन है, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। आप जानते हैं बहुत युवा खिलाड़ी है वुमेन में, वो बहुत यंग है अभी, ठीक है, और बहुत कम उम्र में उन्होंने 16-17 साल की होगी, वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं, ठीक है ना, ये नहीं कि उन्होंने, बहुत आक्रामक खिलाड़ी है एक तरह से वो। तो अमप्रीत कौर, मेमोरी फिक्रीन, शेफाली वर्मा, प्रिया पुनिया, बिल्कुल सही आंसर। शेफाली जो है वर्मा, एक 17 या 18 साल की है भी, और बहुत फास्ट जो बैटिंग करती है वो, ठीक है ना, और बहुत तेजी से वो रन भी बनाती है, इसलिए T20 में उनकी जो रैंकिंग है वो फर्स्ट है, याद रखना आप, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट है, विच प्लेयर है, सॉरी आपको आंसर दिख गया होगा, विच प्लेयर हैज वॉन ऑल इंडिया इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 वुमेन सिंगल टाइटल। जिन बच्चों ने आंसर नहीं देखा हो, किसी को आंसर शायद दिख गया होगा स्क्रीन ऊपर करने में, तो बताइए आंसर दीजिए क्या है इसका। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 वुमेन सिंगल जो टाइटल है वो किसने जीता है, नोजोमी ओकुरा, अकाने युगुमुची, युता वतंडे, यारिशा हिंगोशिनो, ये सब जापानीज टेनिस स्टार्स के नाम है, ठीक है, ये सब जापानीज टेनिस स्टार के नाम है। डियर स्टूडेंट्स, आंसर आपको देना है कि वुमेन सिंगल जो है वो टाइटल किसने जीता है, और ठीक है ऑप्शन आपका ए है, ठीक है, नोजोमी ओकुरा जो आंसर ए है, तो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का है, नोजोमी ओकुरा, ये जापान की जो है टेनिस स्टार है, ठीक है, जिन्होंने वुमेन जो सिंगल इंग्लैंड जो बैडमिंटन चैंपियनशिप है उसको जीत लिया है। Who was won Best Actor Award 67 National Award 2021? बताइए 2021 Best Actor Award 67 जो हमारे National Award हुए थे, function हुआ उसमें किसको गया है बताइए, विक्की कौशल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सुशांत सिंह राजपूत, मनोज वाजपेयी, बताइए बच्चों क्या आंसर, किसको गया Best Actor 67 जो नेशनल अवार्ड्स हुए उसमें बेस्ट एक्टर का जो किरदार है या जो अवार्ड्स मिला है वो किसको मिला है, सी बी ए, बी है, डी है, सी है, अलग अलग है आप लोग हैं। तो अब मैं बता दूं 67 द बेस्ट एक्टर और द नेशनल अवार्ड गोस टू किसको गया है, मनोज वाजपेयी को गया, किसको गया डियर स्टूडेंट, ऑप्शन आपका डी जो है वो करेक्ट आंसर है, मनोज वाजपेयी को बेस्ट एक्टर जो मिला है, ठीक है। नेक्स्ट, ली जी जिया ये खिलाड़ी है, डिफिटेड विच प्लेयर टू क्लेम द ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021, अभी हमने पढ़ा है, अभी हम इसके पहले क्वेश्चन, इसके दो पहले क्वेश्चन कि ली जिया को किसने डिफीट किया, कौन से खिलाड़ी ने डिफीट किया था ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में, विक्टर ऑक्सलेना, एंड्रेस एंटोस, केंटो मोमोटा या चेंग लुंग ने, बताइए, ये उसी की बात चल रही है, उसी में अब यहां पर आपसे पूछ लिया गया है, ये मेल की बात हो रही, सॉरी मेल, हाँ मेन की बात हो रही है, क्योंकि हमने इंग्लैंड बैडमिंटन फीमेल को देखा था, अब मेल में कौन जीत इसमें जीता है,
तो बताइए ऑप्शन आपके सी है केंटो मोमोटा, बी भी आंसर है, अलग अलग आपके आंसर है। सही आंसर क्या है? डेनमार्क के खिलाड़ी है विक्टर एक्सेलसेन जो खिलाड़ी है डेनमार्क के, इन्होंने मेन सिंगल मलेशियाई जो खिलाड़ी थे कौन ली जी जिया वो डिफीट किया है, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा आपका? आपका आंसर है बच्चों ए, आपका आंसर है। विच क्रिकेट टीम हैज वॉन द रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2020-21? आपको पता अभी हुई थी, सचिन सहवाग इसमें खेले थे, रोड सेफ्टी बड़े भारत के अलग अलग शहरों में हुई थी, जिसमें सहवाग ने तो 30 गेंद पे 80 और बहुत सारे रन मार रहे थे वो, तो ठीक है ना, विदेशों के सारे लोग ही धुनाई कर दी उन लोगों ने। तो रोड सेफ्टी जो वर्ल्ड सीरीज 2020-21 में हुई, अभी फिलहाल कुछ ही 20-25 दिन हुए उसको खत्म हुए, उसमें कौन सी टीम जीती? ऑस्ट्रेलिया लेजेंड्स, इंडिया लेजेंड्स, श्रीलंका लेजेंड्स, बांग्लादेश लेजेंड्स। सही बात है, कौन जीतेगा भाई? इंडियन लेजेंड्स ने ये मैच छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर में हुआ था और उन्होंने श्रीलंका लेजेंड्स को उसमें हरा दिया था। तो आपका आंसर क्या है? बी आंसर बेटा, जीता इंडिया लेजेंड्स है, हराया किसको है? श्रीलंका लेजेंड्स को, ठीक है। तो याद रखिए आप इंडिया लेजेंड्स इसमें जीते हैं, ठीक है ना। तो वीर नारायण नरसिंह इंटरनेशनल स्टेडियम रायपुर छत्तीसगढ़ में ये मैच हुआ था। विच प्लेयर हैज वॉन ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप वुमन सिंगल टाइटल? अभी नाम आया था, फिर नाम आपसे पूछ लिया है, बता दीजिए, ठीक है। तो ऑल इंडिया जो बैडमिंटन शिप है, इसमें विमेन सिंगल टाइटल 2021 किसने जीता? अभी 2-3 क्वेश्चन पहले क्वेश्चन आया था, आपने इसका आंसर भी दिया था, बिल्कुल सही आंसर है आपका, डी आंसर आप दे रहे हैं। नोजोमी ओकुहारा जो जापान की एक टेनिस प्लेयर है, इनको ये अवार्ड्स दिया गया था, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, Who has bagged gold medal for India in the women 10 meter air pistol international shooting sport federation का जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें वुमन 10 मीटर एयर पिस्टल जो होता है उसमें गोल्ड मेडल लेकर वो आई है, कौन है? यश्विनी देशवाल है, तेजस्विनी सावंत है, चिंकी यादव है, अंजुम मुग्धी है, कौन है फिर जो 10 मीटर एयर पिस्टल विमेन में गोल्ड मेडल लेकर आई है भारत के लिए? मनोज का आंसर ए है। तो ये जो वर्ल्ड, ये जो कप हुआ था, ये करनी जो रेंज होती है न्यू दिल्ली में शूटिंग रेंज, वहां पर हुआ था ये। बिल्कुल आप लोगों का आंसर जिन बच्चों का ए है वो बिल्कुल सही, यश्विनी देशवाल है ना, यश्विनी देशवाल ने 10 मीटर जो है उसमें गोल्ड लेकर आई थी पिस्टल टूर्नामेंट। सब बच्चे देखो लाइक करो यार, आप लाइक नहीं करो, कमेंट नहीं करो, जल्दी जल्दी करो, है ना। जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपनी भी निभा लिया करो आप। हु हैज वॉन 3000 मीटर स्टीप प्लेसेस इन फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप? देखो ये स्टीव लेज होता है ना, जिसमें होती है दौड़ में बाधा होती है, इसको बोलते हैं बाधा दौड़ बोलते हैं। जिसमें कहीं आपने देखा होगा एक एक रनिंग होती है, सीधी रनिंग होती है जिसमें आपको दौड़ने की कोई बाधा नहीं आती है, और एक में कई सारे आपने देखा होगा वो लगे होते बीच में, वो क्रैप्स लगे होते हैं, उनको कूदना होता है। तो इस दौड़ में कौन जीता, कितने में? 3000 मीटर रेस में कौन जीता है बताइए? सुरेश सेन, अविनाश साबले, विजय यादव, दूति चंद, बताइए इस एथलेटिक चैंपियंस फेडरेशन जो कप हुआ था इसमें कौन जीता है? बी आपका आप लोगों का आंसर हमें मिल रहा है, बिल्कुल सही, लंबी दौड़ बाधा में अविनाश साबले जो हैं वो इसमें जीते हैं, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। तो 8:20 में उन्होंने ये अपने नाम किया है रिकॉर्ड। Who has become the first Indian peddler to qualify for the Tokyo Olympic Games?
फेडलर टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक गेम्स में बताइए कौन से टेबल टेनिस, फेडलर मतलब होता है जो टेबल टेनिस खेलते हैं वो लोग, ठीक है ना, तो कौन जो है वो कौन से व्यक्ति इसमें ओलंपिक्स में गेम्स में क्वालिफाई, भवानी देवी ने, विनेश फोगाट ने, शरत कामल ने, या साइना नेहवाल ने, बताइए। तो इन्होंने कई जगह पर जीत दर्ज की है। और पेडलर मतलब बताया ना, मतलब टेबल जो टेबल टेनिस जो खेलते हैं ना उनको पेडलर कहते हैं, ठीक है ना, टेबल टेनिस जो खेलते हैं उनको क्या कहते हैं, पेडलर कहते हैं। तो उसमें साइना नेहवाल बेटा टेबल टेनिस थोड़ी खेलती, आयुषी साइना नेहवाल तो बैडमिंटन खेलती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है बच्चों क्या है, शरत कामल, क्या नाम है, शरत कामल इसका आंसर है, ठीक है। अंचंता सरल कामल है ना, तो ये फर्स्ट इंडियन पेडलर है जो कि क्वालिफाई हुई है ओलंपिक्स गेम्स के लिए। दिव्यांग सिंह पवार हैज वॉन मेडल फॉर इंडिया इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, ही इज एसोसिएटेड विथ विच इवेंट्स, ठीक है। अब बच्चों आपसे दिव्यांग सिंह पवार पूछा है, मेडल लेकर आए हैं इंडियन इंटरनेशनल कंपटीशन, कौन से कंपटीशन में, शूटिंग, रेसलिंग, एथलेटिक्स, टेनिस। कृष्ण सिंह का आंसर टेबल टेनिस प्लेयर है। चलो भाई बाकी बच्चों का आंसर क्या है, आयुषी का शूटिंग, आस्था का शूटिंग है, नमन ठाकुर का आंसर शूटिंग है, बिल्कुल सही है। दिव्यांग सिंह पवार वर्ल्ड जो मेन 10 मीटर जो एयर राइफल जो कॉम्पिटिशन हुआ उसमें ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं ये, ठीक है ना, जो ISSF जो वर्ल्ड कप हुआ था इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, उसमें न्यू दिल्ली में हुआ था, वहां पर ये शूटिंग से जुड़े हुए खिलाड़ी है, ठीक है। विच इज द फर्स्ट अफगानिस्तान प्लेयर टू स्कोर डबल सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट, बताइए अफगानिस्तान का वो पहला प्लेयर है जिसने टेस्ट क्रिकेट में डबल सेंचुरी बनाई हो, कौन है वो। ओके भाई कृष्णपाल सिंह, बिल्कुल कोई बात नहीं, टेबल टेनिस के लिए बोला था, कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आंसर आप दीजिए, तो कौन से जो है प्लेयर ने डबल सेंचुरी मारी टेस्ट क्रिकेट में, वो भी अफगानिस्तान के। तो असगर अफगान है, रशीद खान है, रहमत शाह जुर्मताई है, या हसमतुल्ला शहीदी है। आया था अभी सर ये कि बांग्लादेश पहला अफगानिस्तान का खिलाड़ी जिसने ऐसा कुछ किया है। सब लोगों में आंसर जो है योगेश आंचल और आयुषी, नमन, आस्था, मोहित, प्रेम, मनोज, मोहित, निशांत पाटिल, आप लोगों का जिन बच्चों ने आंसर डी दिया है वो आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हसमतुल्ला शहीदी ने इसमें डबल सेंचुरी लगाई है डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो फर्स्ट अफगान ये प्लेयर बन गए जिन्होंने डबल सेंचुरी लगाई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इंडिया अविनाश साबले इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, अविनाश साबले, ठीक है ना, किस स्पोर्ट से संबंधित है बताइए। अभी आया भी था क्वेश्चन, भी आया था, ठीक है ना, कि उन्होंने, मैंने भी इसके पहले 2-3 को उसके बनाया था किस खेल संबंधित है, बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि इन्होंने 300 मीटर जो है मैंने बताया था कि स्पेशली जो बाधा दौड़ होती है उसको जीता था, तो ये क्या एथलेटिक्स है, क्या है, एथलीट्स है, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिए, आप क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं वहां पर लिखना। क्रिकेट प्लेयर मोहम्मद नवीद एंड शमन अनवर बट हु हैव बेन फ्रॉम ऑल क्रिकेट बाय आईसीसी फॉर 8 ईयर फॉर बीइंग इन्वॉल्व इन द मैच फिक्सिंग दिस प्ले फॉर विच कंट्री, भैया जो दो नाम है ये किस देश से, आप जानते हो उस देश का नाम फिक्सिंग वगैरह में बहुत आता है लेकिन वो आंसर नहीं है क्योंकि आप पाकिस्तान लगाओगे, ठीक है ना, लेकिन बता दो वो आंसर नहीं है,
क्योंकि आपको पता है मैच फिक्सिंग ये वो सब में वही बेचारा, उनको पैसा मिलता नहीं तो वही करते हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों मोहम्मद नवीद और शेमन अनवर बट वहां से नहीं है। तो कहां से है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूएई। तो मैंने बता दिया पाकिस्तान से तो नहीं है। अब आपका आंसर अफगानिस्तान होगा, ठीक है, लेकिन यह भी आंसर सही नहीं है। तो फिर आपका आंसर क्या सही है? फिर आपका आंसर सही है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, इसका सही आंसर है बच्चों। क्या है? यूनाइटेड अरब अमीरात इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल प्रेम ने आंसर बिल्कुल सही दिया था, डी आंसर, ठीक है। विच क्रिकेटर हैज बीन इंड्यूस्ड द बोर्ड मेंबर ऑफ प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया? तो किस क्रिकेटर को इसमें इंड्यूस किया गया, बोर्ड ऑफ मेंबर बनाया गया, प्रोफेशनल जो गोल्फ टूर्नामेंट ऑफ इंडिया जो होता है उसका मेंबर बनाया गया? किस हिंदुस्तान के बहुत बड़े खिलाड़ी है? सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, कपिल देव, युवराज सिंह, ये सभी अपने आप में बहुत बड़े खिलाड़ी है, लेकिन इनके बारे में एक चीज है कि इन्हीं के समय इन्हीं कप्तानी में देश ने पहला वर्ल्ड कप जीता था। आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही है इतना कहने के बाद, क्योंकि देश पहला वर्ल्ड कप 1987 में, ठीक है ना, लेकर आया था इन्हीं की कप्तानी में, ठीक है। तो ये हैं कपिल देव, ठीक है ना, याद रखना। द स्पोर्ट्स मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन हैव हेल्ड मीटिंग टू डिस्कस वेरियस इश्यू स्पेशली इन द फील्ड ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ IPU? ठीक है ना, जो इंटर पार्लियामेंट यूनियन है, याद रखना इंटर पार्लियामेंट यूनियन है, उसके प्रेसिडेंट कौन है? किरेन रिजिजू, दुरंतो पेकू है, हैरी डेक्सर वाइट है, या तैतीना एलोवेया है? ये एक तरह से हमने इनको क्या बनाया है, ठीक है, अलग अलग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। तो यूनियन मिनिस्टर जो है यूथ अफेयर्स किरेन रिजिजू, उनकी प्रेसिडेंट इंटर पार्लियामेंट यूनियन जो आईपीयू है, उनसे मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली में। तो ये कौन है? मिस्टर डूर्टे, कौन है? मिस्टर डूर्टे पैचिको है, मिस्टर डूर्टे पैचिको ये वहां के प्रेसिडेंट है अभी, ठीक है। तो आईपीयू के प्रेसिडेंट है जिनसे स्पोर्ट्स के बारे में बातचीत की गई थी। एस धन लक्ष्मी हैज वॉन वुमन 10 मीटर स्प्रिंट गोल्ड 2021 फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन पटियाला। शी बीट विच प्लेयर विन द टाइटल? अब इन्होंने किसको हराया था उसमें? इस जो धनलक्ष्मी, उन्होंने जो महिला 100 मीटर जो स्प्रिंट गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, स्प्रिंट मतलब होता है बहुत तेजी से, आपको पता ना है, बिल्कुल एक 100 मीटर स्पीड से, कुछ नहीं देखना आपको, स्प्रिंट उसको बोलते हैं, इसको उसमें है ना, किस सीनियर का जो नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप जीती है उन्होंने, पटियाला में हुई थी, कौन से खिलाड़ी को? हिमा दास, टिंटू लुका, मंजीत कौर या दूती चंद, किसको हराया? ये भी बड़े नाम है अपने आप में पहले से ही। तो आपने नाम बिल्कुल हिमा दास का सुना होगा, लेकिन वो आंसर सही नहीं, इनको नहीं हराया। हिमा दास तो आपको पता है आसाम की डीएसपी है, तो उन्होंने शायद अब वहां से, वो इसमें नहीं है। तो कौन है फिर नेक्स्ट? हिमा दास तो नहीं है, चलो फिर उसका अब आंसर आपका क्या जाएगा इसमें, कौन है जिनको हराया उन्होंने? वो डी, बिल्कुल सही आंसर, महेंद्र का आंसर बिल्कुल, दूती चंद जो है वो आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों। तो दूती जो है उनको हराया है, ठीक है, चलो बिल्कुल आंसर आपका डी है, वो सही आंसर है। हु हैज वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल 2020 ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप? ये अभी फिर आ गया कि किसने वुमेन जो सिंगल टाइटल 2020 ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती, वो किसने जीती है? तो शायद आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नाज़ोमी ओकुहारा ने जीती है, क्योंकि एक बार फिर ये क्वेश्चन आ गया आपके बीच में। नेक्स्ट, हु हैज बिकम द हाइएस्ट प्लेयर टू स्कोर 770 गोल्स इन फुटबॉल हिस्ट्री? बताइए
किसने हाई सबसे ज्यादा अभी तक स्कोर किया, 770 गोल्ड गोल सॉरी इन फुटबॉल हिस्ट्री में किए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये सबसे जाने माने, लियोनेल मेसी, रोमेरियो, जैसा बिकेन। आपको बताया ये स्पोर्ट्स दुनिया के जाने माने खिलाड़ी है भाई, ठीक है ना। हमारे क्रिकेटर जो एक साल में कमाते हैं एक मैच से इतना कमा लेते हैं। बिल्कुल सही आंसर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ब्राजील के खिलाड़ी है और आप जानते हैं इनको जब ये खेलते हैं तो बिल्कुल तूफान की तरह है, गोल करते, बिल्कुल सही क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, विच टीम हैज वॉन द डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजार ट्रॉफी। देखो जो डोमेस्टिक हमारा भारत के विजय हजारे जो ट्रॉफी होती है वो कौन सी टीम ने जीती है 2020-21 की, बताइए। उत्तर प्रदेश, मुंबई, रेलवे या बड़ौदा, किसने जीता है इसको? आपका आंसर मुंबई है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है, मुंबई ने इसको जीता। देखो अभी हम बड़ौदा है तो बड़ौदा गुजरात का शहर है, तो गुजरात क्यों नहीं, बड़ौदा क्यों है, क्योंकि ये विजय हजारे ट्रॉफी जो है ना राजा महाराजाओं के जमाने से चलती थी, ठीक है ना। तो जैसे होलकर है तो होलकर खेलते थे इसमें, तो इसको होलकर टीम कहते थे, बड़ौदा रियासत क्या थी तो बड़ौदा कहते थे, सिंधिया ऐसे सब अलग अलग टीमें हैं, तो आज भी इसमें अलग अलग टीमें खेलती है। रेलवे तो याद है स्पोर्ट्स में कोटा ही होता है रेलवे की तरफ से, तो इसमें जो जीतने वाला है वो है कौन है, मुंबई है। नेक्स्ट, अशंता शरद कामल इज इंडियन प्लेयर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। अभी आया था शरद कामल के बारे में आया था, किस स्पोर्ट से है ये, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वेश या बिलियर्ड्स, बताइए। तो किससे है, बिल्कुल आपको आंसर पता है, दो तीन बार आ चुका भी है, टेबल टेनिस से है। किससे है, टेबल टेनिस से रिलेटेड है। Who has claimed the main single title 2020 All England Badminton Championship में, बताइए जो main single title जीता वो किसने जीता है, इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए क्योंकि अभी आया था। कौन है, विक्टर एक्सलेंस है, केंटो मोमोटा है, यूसीयू के चेन लूंगे, क्या होना चाहिए, विक्टर एक्सलेंस अभी आया था, डेनमार्क के खिलाड़ी है, किसके खिलाड़ी है भाई, डेनमार्क के खिलाड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट, पाकिस्तान के आर एल स्टेडियम हैज बीन रिनेम्ड आफ्टर विच क्रिकेटर, भाई पाकिस्तान में एक स्टेडियम का नाम बदला है, तो उस स्टेडियम का नाम क्या रखा गया बदल के, किसके नाम पर, शाहिद अफरीदी के नाम पर, शोएब अख्तर के नाम पर, शोएब मलिक के नाम पर, वसीम अकरम के नाम पर, बताइए किसके नाम पर बदला गया। ए शहीद अफरीदी, कोई शोएब अख्तर, देखो उनको राहुल पिंडी एक्सप्रेस कहते हैं भाई, सबसे दुनिया के फास्ट बॉलर जिनकी अभी तक लिस्टेड 164 किलोमीटर प्रति रफ्तार की उसमें उन्होंने गेंद फेंकी थी, वो भी नशा करके फेंकते थे वो, तो शोएब अख्तर है, बिल्कुल सही है, राहुल पिंडी एक्सप्रेस इनके नाम पर, राहुल पिंडी का जो है स्टेडियम है पाकिस्तान के, जो राहुल पिंडी में वो नाम अब शोएब अख्तर स्टेडियम रखा गया। Who has become the first batsman score 3000 run in T20 international cricket? सबसे पहला बल्लेबाज जिसने T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाए, कौन है भाई? विराट कोहली है, बेन स्टोक है, KL राहुल है, ऋषभ पंत है, जानते हैं क्रिकेट में जिनकी एक अपनी अलग पहचान है और जिनको चीकू के नाम से जाना जाता है, बॉलीवुड की एक सेलिब्रिटी उनकी वाइफ है, कौन? बिल्कुल सही है, विराट कोहली, ठीक है, बिल्कुल आपका सही आंसर है बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द बॉलिंग कोच ऑफ पंजाब किंग्स फॉर आईपीएल 2021। जो पंजाब किंग्स इलेवन पंजाब आप जानते हैं वो आईपीएल में 2021 में, तो उनका बॉलिंग कोच किसको बनाएगा? वसीम अकरम को, डेमिन राइट को, शेन वार्न को, जहीर खान को,
देखो वसीम अकरम तो होता नहीं क्योंकि पाकिस्तान के तो लोग आएंगे नहीं यहां पर। अब ये तीन नाम है, डेमियन राइट है, शेन वॉर्न है, दो ऑस्ट्रेलिया के है, और जहीर खान भारत के फास्ट बॉलर है। आप लोगों का आंसर डी भी है, डेमियन राइट भी है, तो योगेश और आयुषी का आंसर सही है। डेमियन राइट ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, इनको लिया गया है, ठीक है ना, फर्स्ट क्लास ऑस्ट्रेलिया का जो क्रिकेट खेलते थे, तो इनको बॉलिंग कोच बनाया गया। विच वन इज द फर्स्ट इंडियन वुमन क्रिकेटर हु हैज स्कोर 10,000 इंटरनेशनल रन, बताइए कौन सी ऐसी महिला खिलाड़ी है जिन्होंने 10,000 रन पूरे किए इंटरनेशनल क्रिकेट में, और उनको भी कम से कम 20 साल हो गए क्रिकेट खेलते खेलते। ऐसे सचिन ने शुरुआत की थी, ऐसे उन्होंने शुरुआत की, कौन है? मिताली राज, हमप्रीत कौर, पूनम राउत, त्रिशूल कामिनी। बिल्कुल आप लोगों ने कई बार नाम सुना है, ठीक है ना, कौन है? मिताली राज, बिल्कुल सही आंसर है आपका। क्रिकेट में वो भी सचिन की तरह बहुत समय से क्रिकेट को खेलती है, जिन्होंने 10,000 इंटरनेशनल रन उन्होंने पूरे किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 19 ईयर ओल्ड मनु भाकर, मनु भाकर का कई बार नाम सुना होगा आपने, वॉन बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉन्फेडरेशन है उसने उनको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया। शी इज एसोसिएट विथ विच गेम्स, किससे संबंधित है मनु भाकर? रनिंग, रेसलिंग, स्विमिंग या शूटिंग? कृष्णपाल का आंसर रेसलिंग है, आयुषी का आंसर शूटिंग है। चलो भाई देख लेते क्या आंसर है। देखो मनु भाकर किससे संबंधित है बच्चों? शूटिंग से संबंधित है, शूटिंग से संबंधित मनु भाकर का नाम। कहीं पहले उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीते हैं, ठीक है। आपके आंसर क्या है? डी आंसर है आपका। टेमी बीमोंट हैज बीन नेम्ड आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2021। सी प्ले फॉर विच कंट्री? देखो इनका नाम आया है टेमी बी बीमोंट, ये आईसीसी वुमेन प्लेयर के लिए इनका नाम गया था मंथ फरवरी में। बहुत अच्छी खिलाड़ी है अभी क्रिकेट में, और ये किस टीम से खेलती है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका से? ठीक है, तो नाम जो है वुमन कैटेगरी इंग्लैंड जो है, टेमी बीमोंट्स कहां से? भाई इंग्लैंड से। आंसर सी, इंग्लैंड की टेमी बीमोंट है, जिनका आईसीसी जो टीम बनती है उसके लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी में इनका नाम गया था। Who has been named ICC Men's Player of the Month of February? अब बताइए, वहां फीमेल गई, अब ICC Men Player of the जो है उसमें किसको लिया गया है? जो रूट को, केल मेयर्स को, रविचंद्र अश्विन को, अजिंक्य रहाणे को, बताइए। तो ICC Men Players में किसको लिया गया? बिल्कुल सही है, रविंद्र चंद अश्विन को लिया गया। किसको बच्चों? रविंद्र चंद अश्विन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोगों का, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है, रविंद्र चंद अश्विन। इंडियन शटलर पीवी सिंधु लॉस्ट टू विच प्लेयर टू सेटल फॉर सिल्वर इन 2021 स्विस ओपन वुमेन सिंगल फाइनल? देखो आपने पीवी सिंधु का नाम सुना है, लेकिन वो 2021 स्विस ओपन वुमेन सिंगल फाइनल में हार गई थी। किस खिलाड़ी से हारी थी? ताइजू यूंग, कोरोलिना मरीन, अकाना यागामुची, नोजोमी ओकुहारा, बताइए किससे हार गई थी वो? तो ये जो सिल्वर मेडल में जो हारी है, वर्ल्ड नंबर की खिलाड़ी है, वर्ल्ड तीसरे नंबर पर आती है, ओलंपिक चैंपियंस है कैरोलिना मरीन, इनसे हार गई थी। किससे? ऑप्शन बी, कैरोलिना मरीन से वो हार गई थी। बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर, बिल्कुल सही है, ठीक है। हु इज द विनर ऑफ मेन सिंगल टाइटल 2021 BWS स्विस ओपन सुपर 300? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन होता है BWF, स्विस जो ओपन सुपर थर्ड में होता है, उसमें विनर्स जो मेन है उसमें सिंगल टाइटल विनर कौन रहा है? शियुगी, केंट मोमोटा, विक्टर एक्सलेन, चेन लेंग, कौन है बच्चों?
विक्टर एक्सलेंस कौन है आपका आंसर? सी ए डेनमार्क खिलाड़ी है विक्टर एक्सलसेन, ये इसके जो वर्ल्ड बैडमिंटन या बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है उसमें स्विस ओपन जो हुआ था उसमें जीत दर्ज की इन्होंने। इंडिया क्वालिफाई फॉर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, इंडिया विल फेस विच कंट्री क्रिकेट टीम? आपको बताया इंडिया ने क्वालिफाई किया फॉर द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, फाइनल में पहुंच गई। अभी आपको पता है कि कुछ समय पहले उस टीम को हमने डिफीट भी किया है, ठीक है? तो इंडिया विल फेस विच कंट्री क्रिकेट टीम से वो फाइनल मैच वहां पर खेलेगी, ठीक है ना? और हिंदुस्तान जो फाइनल, बिल्कुल सही बच्चों का आंसर न्यूजीलैंड, योगेश का आंसर जो है न्यूजीलैंड, बिल्कुल सही आंसर है। 43 क्वेश्चन का आंसर आपका न्यूजीलैंड है बच्चों, क्या है? न्यूजीलैंड। फाइनल में हमारी जो भिड़त होगी वो न्यूजीलैंड से होगी। विच इज द इंडियन बॉक्सर हु हैज वॉन लॉन्ग गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट 2021 बॉक्सिंग इंटरनेशनल टूर्नामेंट हेल्ड स्पेन में जो हुआ था, ठीक है ना? उस टूर्नामेंट में कौन से खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है बताइए? विकास कृष्णन, सुनील संगवान, सतीश कुमार, मनीष कौशिक। आंसर क्या होगा? मनीष कौशिक ने, इन्होंने डेनमार्क के निकोलाई तेरेन को 3-2 से हराया। 63 किलो में ये बॉक्सिंग करते हैं, ठीक है? तो मनीष कौशिक। इन विच कैटेगरी बजरंग पुनिया हैज वॉन द गोल्ड मेडल एट द 2021 मिचो फिलिकोर रैंकिंग सीरीज? देखो ये भी अलग अलग वर्ल्ड चैंपियन सीरीज होती है, और ये जो मेट्रो पेलिको रैंकिंग सीरीज होती है रोम इटली में हुई थी। कहां हुई थी? रोम इटली में हुई थी। तो ये किस कैटेगरी में खेलते? 72, 56, 90 या 65, कौन सी कैटेगरी? आपको पता है तो बॉक्सर होते हैं, रेसलिंग होते हैं, उनकी कैटेगरी होती है, उतनी वजन के लोगों से वो लड़ते हैं या फाइट करते हैं। बिल्कुल आंसर आपका सही, 65 kg। बजरंग पूनिया जो है वो 65 kg में अपनी जो है रेसलिंग करते हैं। विच टीम हैज बीन रैंक टॉप इन द टेस्ट रैंकिंग रिलीज बाय आईसीसी? आईसीसी ने अपनी अभी रैंकिंग रिलीज की है, टॉप रैंकिंग रिलीज की है, उसमें कौन सी टीम को टॉप पर बताया उन्होंने? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, बताइए। आपको पता होगा अभी ये तो, बिल्कुल आप आंसर, क्योंकि हम लगातार मैच जीत रहे थे इसमें से। तो हम टॉप पर कौन होगा? इंडिया होगा बच्चों। कौन होगा? इंडिया होगा, ठीक है? अभी हमने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को लगातार हराया इन सीरीज़ में, तो आंसर आपका क्या है? इंडिया है। विच इंडियन वुमन प्लेयर हैज रिसेंटली बिकम द 5 इंटरनेशनल वुमन प्लेयर टू प्ले 100 ODI? कौन सी वुमन प्लेयर है जिन्होंने रिसेंटली में, अभी जो 5वीं इंडियन वुमन है जिन्होंने 100 वनडे मैच खेले? मिताली राज, हमप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, या इनमें से कोई नहीं? किसको अभी जो 5वीं खिलाड़ी है जिनको अभी 100 मैच कंप्लीट हो गए हैं क्रिकेट में, कौन है? स्मृति मंधाना, सॉरी हरमप्रीत कौर है। कौन है? हरमप्रीत कौर है। ऑप्शन आपका क्या है बच्चों? बी आंसर है। क्या आंसर है? हरमप्रीत कौर इसका सही आंसर है, ठीक है? स्मृति मंधाना नहीं है, आंसर बी है आपका, हरमप्रीत कौर, ठीक है? द इंडियन वुमेन ट्रैप टीम ऑन सिल्वर टू ISSF शूट गन वर्ल्ड कप डिफिटेड फ्रॉम विच टीम? इंडियन वुमेन जो ट्रैप टीम है उन्होंने अभी जो ISSF शूटगन जो हुआ, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जो कप होता है, उसमें जीत दर्ज की है। इन्होंने किस देश की टीम को हराया? चाइना, फ्रांस, रशिया, ईरान, किस देश की टीम को हराया इन्होंने बताइए? इन्होंने हराया है डियर स्टूडेंट रशिया को। किसको? रशिया को इन्होंने डिफीट किया। आंसर क्या होना चाहिए? सी आपका,
who has become the third cricketer to hit six in an over in international cricket. बताइए अभी ऐसे कौन से तीसरे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने सिक्स से सिक्स सिक्स इन अ ओवर इंटरनेशनल क्रिकेट एक ओवर में छह छक्के मारे. किरण पोलार्ड है, क्रिस गेल है, जो रूट है, स्टीव स्मिथ है. कौन से तीसरे ऐसे खिलाड़ी अभी बने हैं? ये हैं पोलार्ड, बिल्कुल सही आंसर है. किरण पोलार्ड वेस्ट इंडीज के कप्तान, ठीक है ना. पोलार्ड का नाम अपने आप में बहुत है. उन्होंने अभी कुछ समय पहले ही छह गेंद पे छह छक्के लगाए थे एक ओवर में. द जे एंड के टॉप द मेडल टेली इन द सेकंड एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स. हाउ मेनी गोल्ड मेडल? देखो जो भारत सरकार खेलो इंडिया गेम्स स्टार्ट करती है उसमें कौन से कितने गोल्ड मेडल जो है जम्मू कश्मीर ने अपने नाम किए थे? 11, 10, 15, 21 बताइए. जम्मू कश्मीर या टॉप पर कौन रहा? तो जम्मू कश्मीर रहा कितने गोल्ड मेडल? तो उन्होंने 11 गोल्ड 18 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीते थे. कितने? 11 गोल्ड 18 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज इसमें जीते. इसलिए आंसर आपका क्या होगा? ए होगा बच्चों. Who has become the first cricketer to have 100 million follower on Instagram? ये क्वेश्चन पहले भी आया है. वे कौन से ऐसे खिलाड़ी जिनका 100 million follower Instagram पे हुए है? बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का विराट कोहली, ठीक है. अच्छा इसलिए आंसर दे दिया, नीचे ही आंसर है. ओके ओके, आपका आंसर नीचे ही दिख रहा है आपको, गलती से आंसर आ गया इसलिए आपने फटाफट कोहली 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 कर दिया. चलो लेकिन फिर भी पहले से ही पता होगा ये, क्योंकि मुझे लगता है आप सब लोगों के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर आपने जरूर किया होगा कोहली को, ठीक है ना. तो आपको ये चीजें तो पता होगी, लेकिन फिर भी चलो आंसर नीचे ही दिख गया, कोई बात नहीं. विच फीमेल बैडमिंटन प्लेयर हैज क्लेम वुमन सिंगल टाइटल एट द युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021? देखो युगांडा में जो इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था 21 में, उसमें जो महिला सिंगल है फीमेल बैडमिंटन जो प्लेयर है वो कौन? मालविका बंसोदे, आदिति भट्ट, टेरेसा जोली, अनुपमा उपाध्याय. बताइए कौन है भाई? बिल्कुल वैसे ही पता था, बिल्कुल ठीक है बच्चों, अच्छी बात है आपको पता था. तो इसमें जो सही आंसर इसका है ये इंडियन शटलर है. कौन? मालविका बंसोद. ए आपका आंसर सही है, मालविका बंसोद जो है युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन जो चैंपियनशिप रही उसमें ये इन्होंने जीत दर्ज की है, ठीक है. विच इंडियन बॉक्सर हैज बीन अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ AIB, ऑल इंडिया बॉक्सिंग जो एसोसिएशन होता है, चैंपियन एट द वेटरन्स कमिटी? वेटरन्स कमिटी का उनको बनाएगा. इसका भी मैंने आंसर कुछ समय पहले भी आपको बताया था. मेरी कॉम है विकास कृष्णन है, विजेंदर सिंह है, अमित पघाल है ना. ये क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं कि जो ऑल इंडिया बॉक्सिंग फेडरेशन में उनको चैंपियन में वेटरन कमिटी में सदस्य बनाया गया. आयुषी भाटी बिल्कुल सही, मैरी कॉम, ठीक है. क्या है बच्चों? मैरी कॉम इसका सही आंसर है. क्या है? मैरी कॉम, ठीक है, याद रखना बच्चों, मैरी कॉम. नेक्स्ट, विच टीम हैज वॉन 2020-21 इंडियन सुपर लीग ISL विनर्स शील्ड? जो इंडियन सुपर लीग हुआ ICL विनर जो शील्ड होता है किसने जीता? बेंगलुरु FC ने, एटीके मोहन बागान ने, गोल FC ने, मुंबई सिटी FC ने. ये सारे फुटबॉल क्लब हैं, अलग अलग खेलते हैं ये, ठीक है, अलग अलग जगहों से. तो इंडियन जो सुपर लीग हुआ था फुटबॉल का उसमें किसने जीत दर्ज की है 2020-21 में? तो इसमें अलग अलग टीमें रही थी. आपका आंसर ए भी है, बी भी है, बेंगलुरु है. इसमें जीत दर्ज की मुंबई सिटी,
फुटबॉल कप जिन्होंने इसको एटी के मोहन बागान को हराया था 2-0 से। तो कौन सही आंसर कौन है? मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब, ऑप्शन डी आपका आंसर है। ठीक है, वरुण कपूर हैज वॉन गोल्ड फॉर इंडिया इन गेम्स। वरुण कपूर एक जाना माना नाम है, इन्होंने गोल्ड मेडल अभी जीता है कुछ समय पहले। कौन से खेल से संबंधित है? टेनिस, बैडमिंटन, शूटिंग या वेट लिफ्टिंग, बताइए किस खेल से संबंधित है भाई ये। ठीक है, इन्होंने युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन में भी अपनी जीत दर्ज की है, तो किससे? बिल्कुल आंचल का आंसर सही है, बैडमिंटन के खिलाड़ी है वरुण कपूर। ठीक है ना, क्या आंसर है आपका? बी आपका करेक्ट आंसर है। द इंडियन स्की टीम हैज डिफिटेड विच कंट्री टू विन द ब्रॉन्ज मेडल एट द ISSF शूटगन वर्ल्ड कप 2021 इन काइरो। ठीक, काइरो जानते हैं हम, मिस्र की कैपिटल है। ठीक है ना, वहां पर इन्होंने जीत दर्ज की, इंडियन स्की टीम ने डिफीटेड विच कंट्री टू विन द ब्रॉन्ज मेडल, किस टीम को? यूनाइटेड स्टेट, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, किस टीम को हराया इन्होंने? इसमें हराया है ऑप्शन डी, कजाकिस्तान को हराया। किसको हराया बच्चों? कजाकिस्तान को हराया, ऑप्शन डी है आपका। इंडियंस प्लेयर आर विनय कुमार अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट। भाई आर विनय कुमार जो इंडियन प्लेयर है, इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है किस खेल से? बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग, क्रिकेट, हॉकी। आर विनय कुमार, आपने कई बार नाम भी सुना होगा इनका, किस खेल से संबंधित है? कर्नाटक के जो रणजी ट्रॉफी होती है उसके कैप्टन भी रह चुके हैं, कई इंटरनेशनल मैच भी खेल चुके हैं ये, तो स्वाभाविक बात है किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। किसके? क्रिकेट से संबंधित है ये, आर विनय कुमार। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हु हैज बीन अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया? टेबल टेनिस जो फेडरेशन होता है उसका चेयरपर्सन कौन है भाई? कौन प्रेसिडेंट उसका अपॉइंट हुआ? अध्यक्ष कौन है? राजीव पी बोडाजे, दुष्यंत चौटाला है, चिरंजीव चौधरी है, रविंद्र कुमार परीदा है। हमने करंट अफेयर्स करते समय भी इनको पढ़ा है, कौन है ये? दुष्यंत चौटाला। कौन है भाई ये? हरियाणा के डिप्टी सीएम भी है अभी, दुष्यंत चौटाला। ठीक है ना, तो इनको टेबल टेनिस जो फेडरेशन ऑफ इंडिया होता है उसका प्रेसिडेंट बनाया गया है। ठीक है, हु हैज बिकम द सेकंड इंडियन फास्ट बॉलर टू प्ले 100 टेस्ट मैचेस। हिंदुस्तान का वो सेकंड फास्ट बॉलर है जिसने 100 टेस्ट मैच खेले। आर अश्विन है, मोहम्मद शमी है, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा है। क्रिकेट के जानकार जानते होंगे, बिल्कुल। इसके बाद कुछ समय में इंग्लिश क्लास है आपकी बच्चों, तो बने रहिए आप, इंग्लिश क्लास इसमें रहेगी जिसमें इंपॉर्टेंट आपको सारे चीजें बताई जाएगी। बिल्कुल सही आंसर बच्चों का ईशांत शर्मा। क्या है भाई? ईशांत शर्मा आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी बिल्कुल है। ठीक है, नेक्स्ट। विच प्लेयर हैज बैग्ड वुमन सिंगल टाइटल ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021? है ना, तो जनवरी में जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, आपको पता है वुमेन सिंगल किसने जीता? कैरोलिना मुखाओन ने, जेनिफर ब्रेडी ने, नोमी ओसाका ने या एशली की बैटी ने? किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है बच्चों, बताइए। इनका फोर्थ ग्रैंड स्लैम है जिन्होंने अमेरिकन जेनिफर ब्रेडी को हराया था इसमें। ठीक है, तो कौन है? नोमी ओसाका है, इन्होंने जीता है, ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, हु हैज लिफ्टेड द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 टेनिस टाइटल? किसने अपने नाम किया है मेल में? डेनियल मेडेव ने, नोविक जोकोविक्स ने, फेडरिको गायो ने, एस्लिन कराटेस्वे ने? किसने अपने नाम किया है बताइए मेल में? मैन सिंगल फाइनल जो जीता है किसने जीता ओपन, इसमें इन्होंने डेनियल मेडेव हराया है। कौन है नाम?
नोविक जोकोविक, ठीक है ना, नोविक जोकोविक जो है स्पेन खिलाड़ी है, स्पीएस खिलाड़ी है, इन्होंने इसको जीता है। Who has shattered all record at the Indian Premier League IPL 2021 actions? भाई जो आपने IPL देखते हैं तो shattered all records सारे Premier League 2021 action में केलिन जेमिनसन, कैरिस मॉरिस, गेल मैक्सवेल, स्टीवन स्मिथ, मतलब आप समझ रहे हैं कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए अभी तक इन्होंने महंगाई के, मतलब सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी अगर आप बोले तो ये बने हैं। और सुपर स्टार एंड साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर है कौन, कैरिस मॉरिस, ठीक है, क्या है आंसर, कैरिस मॉरिस, चेन्नई सुपर किंग ने इनको खरीदा है, ठीक है। तो खिलाड़ियों के लिए तो आपने देखा कितनी सुविधा होती है कि कल परसों जब मैच हुआ, शायद कल ही मैच हुआ मुंबई का, देख खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के वहीं रह गए थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा कौन से, तो उनके लिए अंबानी ने सेपरेट फाइटर जेट पहुंचाया, सोचो आप, मतलब एक प्लेन करके पहुंचा दी, लेके आओ उन खिलाड़ी को, तो इनके लिए बहुत सुविधा होती है, ठीक है ना, क्योंकि अगर वो बाय प्लेन से आते तो उनको 14 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ता, तो उनके लिए स्पेशल क्या पहुंचा दिया, प्लेन पहुंचाया था। तो ऐसा है क्रिकेट। तो Who has claimed the women single title at the 82 second senior national table tennis championship हुई है, उसमें महिला सिंगल्स में किसने जीत दर्ज की है, अंकिता दास है, मनिका बत्रा है, नेहा अग्रवाल है, मीना प्रधाने हैं, बताइए। तो इसमें जो जीत दर्ज की है बच्चों, वो जीत दर्ज की है मनिका बत्रा ने, किसने, मनिका बत्रा ने इसमें जीत दर्ज की है, ठीक है। तो वुमन सिंगल फाइनल 82 सेकंड जो सीनियर टेबल चैंपियनशिप रही है, इसमें रीत रिशिया को इन्होंने डिफीट किया है। विच ब्रांड हैज बीन ड्रॉप्ड इन द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का, अभी आपने देखा होगा जो स्पॉन्सर है वापस आ गया है, ठीक है, वापस आ गया भाई, कौन है वो, ठीक है, पिछली बार तो हमने चाइना का बहिष्कार, बहिष्कार में उसको नहीं दिया तो ड्रीम इलेवन को बना दिया, तो इस बार कौन है, वीवो, बिल्कुल सही आंसर है, क्या है भाई, वीवो, ठीक है ना, वो वापस जब पैसा दिया तो सब रख लिया, तो गया चाइना सब इधर उधर, ठीक है। हु हैज बिकम सेकंड प्लेयर वर्ल्ड विन टू 300 ग्रैंड स्लैम, भाई सबसे ज्यादा जो ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए हैं उसका नाम है रोजर फेडरर, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा है सेकंड, तो सेकंड खिलाड़ी कौन है जिन्होंने 300 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए, देखो रोजर फेडरर ने 362 किए अभी तक, आप सोच सकते हो, लेकिन इन तीन अगर खिलाड़ी नौ जो डोमिना टिचेन, राफेल नडाल, इनमें से फिर कौन है भाई वो जिसने इसमें जीत दर्ज की 300 ग्रैंड स्लैम अपने नाम की, बिल्कुल सही खिलाड़ी नोविक जोकोविक, ठीक है, आपका आंसर क्या है बच्चों, नोविक जोकोविक जो है इन्होंने, ये सेकंड खिलाड़ी जिन्होंने 300 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए हैं। विच कंटेनर विट राइस चिपकोस हैज मेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय कंप्लीट द 5 किलोमीटर रोड रेस इन 14 मिनट 43 सेकेंड्स, बताइए 14 मिनट 43 सेकंड में कौन सी कंट्री के रनर है जिन्होंने बीट राइस चिपकोस जो रनिंग है उसको जीता है, माली, घाना, कनाडा, केनिया। और आपको पता है दौड़ने में सबसे ज्यादा जो होते हैं वो अधिकतर जो खिलाड़ी केनिया के हैं, बिल्कुल सही आंसर है आपका, ठीक है ना, ये है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। बच्चों सब बने रहिए, कुछ 5 मिनट के अंदर आपकी इंग्लिश की क्लास होने जा रही है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन पेसर बिकम द थर्ड पेसर फ्रॉम द कंट्री टू टेक 300 विकेट इन टेस्ट क्रिकेट, देखो ये SFS बॉलर रहे हैं जिन्होंने 300 विकेट लिए टेस्ट क्रिकेट में, जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, अभी नाम आए आपके बीच में, अभी कुछ समय पहले नाम आए आपके बीच में, कौन आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही है ईशांत शर्मा, ठीक है, ठीक है,
दो क्वेश्चन और लेंगे हम, ठीक है, इसके बाद आपकी इंग्लिश की क्लास रहेगी। Who has been awarded Allan Border Medal for the Premier 2021? Allan Border आपने जानते हैं, Allan Border क्रिकेट के जगत में बहुत बड़ा नाम रहा है, ठीक है, तो किसको मिला? स्टीन स्मिथ को, ग्लेन मैक्सवेल, डेविड वार्नर, मिटेल स्ट्रैक को, बताइए किसको ये अवार्ड दिया गया, Allan Border अवार्ड। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा बच्चों? ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ। कौन है? स्टीव स्मिथ को ये Allan Border कप दिया गया है, ठीक है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, हु हैज वॉन द इनॉग्रेटेड आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, ठीक है ना। आईसीसी हर महीने एक उभरते हुए सितारे को अवार्ड देती है, ठीक है ना, तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मार्च में किसको मिला? पीट क्यूमिस को, स्टीव स्मिथ को, विराट कोहली को, ऋषभ पंत को, जो उस मंथ में बड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, बताइए कौन है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल डी आंसर दिव्यांश आस्था अचल, डी आंसर ऋषभ पंत सही आंसर है बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों, तो आज की तरह बाकी दिन भी बने रहिए। अब हम जो है हम नेक्स्ट हिस्ट्री के सेशंस लेकर आएंगे, करंट अफेयर्स आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है, तो हम हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया लेकर आएंगे। हम मिलते हैं आपसे मंडे के दिन सुबह इसी समय 9 बजे, 9 से 10 आपके बीच में। तो आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इसके बाद जस्ट आपकी जो इंग्लिश की क्लास होने जा रही, तो सब बच्चे बने रहें। जय हिंद सभी को।